subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. अच्छा चलो इसमें से निकालो अपनी कोई पुरानी याद और हमें बताओ आपकी मेमोरीज. कौन बताएंगे, हसन और सुनीता? मैं तो समझे बच्चे. चलो आप लोगों का काम है निकाल के देना. ये क्या निकला, ये क्या दिखाओ है? मुझे स्लाइड लग रहा है. दिखाओ हसन, इधर ऐसे करके दिखाओ. ये कोई ऐसे ये कोई ऐसे छोटा डैडी को दो, एक एक करके निकालेंगे. जाना अभी इसको रख दो. ये किसकी मेमोरी है भाई, स्लाइड वाली? ये स्लाइड वाली, ये मुझे छोटी सी वाटर स्लाइड लग रही है. ये क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है ना, और थोड़ी सी ऐसे बैठ जाए ना यार, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या जरूरत है भाई. ये वाटर स्लाइड की मैंने वो बात दिखाएं, इस तरफ करें, इस तरफ. वाटर स्लाइड वैसे तो ये स्लाइड है, लेकिन वाटर स्लाइड की मेमोरी थी. हाँ. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड गए हुए थे. हाँ. और राकेन कितने साल का था? चार साल का था. और एक स्लाइड थी. हाँ. हम एक विला में ठहरे हुए थे, देयर वर लाइक फोर कपल्स, फाइव कपल्स. अच्छा. और उस विला के अंदर स्लाइड थी, पर्सनल वाटर स्लाइड. ओके. तो वो ऊपर से स्टार्ट होती थी थर्ड फ्लोर से, और नीचे घूमती भी आती हुई. तो राकेन जो है वो आई थिंक पूरा दिन सुबह से शाम तक ऊपर थर्ड फ्लोर चढ़ता था, वहाँ से स्लाइड से घुप नीचे. वो डाइविंग बोर्ड भी था. माय गॉड, डाइविंग था ये भी. ये थोड़ी थी वैसे, छोटा सा था ये. अच्छा, बच्चों की थी या क्या है? नहीं, बड़ों की स्लाइड थी, बड़ों की स्लाइड. आम बैंड साल का. आम बैंड पहन के. बट ही यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि सब लोग देखते थे कि यार ये कैसे इतने आराम से कर रहा है. ओए होए. नहीं मगर हिम्मत जान देखो ना, वो थर्ड फ्लोर आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था. थर्ड फ्लोर पे जाते थे और फिर पूरा गोल घूम घूम के, छोटा सा था तो पत 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 करके ऊपर जाके शोर मचाता था. ये जाके अंदर और चीखे मारता आता था. डाइविंग बोर्ड में भी मजा आया था. डाइविंग बोर्ड पे लेट के भी आते थे ये सारे लड़के. एक लाइन में आते थे, लाइन में यूं बैठ जाते थे, उसके बाद में एक बंदा धक्का लगाता था और ये लोग भी पूरा गोल घूम मस्त होते थे. हम चार लड़के थे, हमने कहा लाइन में जाते हैं ना. हाँ. तो जो सबसे आगे वाला उसको लाते घुसे पड़ रहे होते थे, और नेचुरली पड़ रहे होते थे क्योंकि पीछे से फोर्स आ रही होती थी. हाँ. और सबसे पीछे ये लोग मुझे रखते थे, मैं तो पीछे से पूरा अंदर घुसा हुआ था. टांगे भी लंबी. बहुत अच्छा ट्रिप था. हाँ, it was very good trip. क्योंकि दोस्त साथ थे ना, और उनके बच्चे भी थे, दोस्तों के बच्चे भी थे. वेरी मेमोरेबल. ओके जी, नेक्स्ट मेमोरी. अब सबसे नॉटी बॉय याद है हॉर्स. किसकी मेमोरी है क्या है? इतनी भी पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये याद है. आप मुझे हॉर्स राइडिंग में लेके चल रही थी. हॉर्स राइडिंग उसको तो मैं बिल्कुल छोटा मुझे मैं समझा था तब. मतलब एज सच कोई वो नहीं है मेमोरी, बस ये कि ये लोग हॉर्स राइडिंग पे जाते थे, बीच में कोरोना आया तो. एक है मेमोरी, वो हॉर्स राइडिंग पे लोग गए हुए थे. तो हॉर्स राइडिंग पे You guys remember कि एक बच्चा घोड़े से गिर गया. हाँ, तो घोड़ा फेल ऑफ, राइट? सो ये लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. हाँ, और मैं देख रहा हूँ, और एक बच्चा घोड़े से, घोड़ा समेत. हाँ, अंडरनीथ उसके ना गिर गया है वो. देयर वाज एन एक्सीडेंट. तो मैं वो देख रहा हूँ, देखते देखते मैंने यूं देखा है राकिन को ना. हाँ, बच्चे सारे रुके हुए यूं देख रहे हैं उसको. क्या हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और अभी हम एकदम से ये क्या हुआ है? तो ये भी देख रही थी. तो उसके बाद सारे बच्चे डर गए थे. हाँ, क्वाइट स्कैर्ड. हाँ, बाबा मैंने देखा क्या कि देयर वाज समथिंग ऑन लाइक द ग्राउंड. हाँ, तो वो घोड़ा एक्सप्लेनरी उठाओ. तो वो घोड़ा को क्या हुआ? वो ट्रिप होके वो गिर गया. सही दिखाएं ना, क्या है? हमें भी मामा को दिखाएं. नहीं, वहीं से दिखाएं बैठ के. ये क्या है? एक फैन. पुराना कोई पुराना फैन है. वही फैन की मेमोरी ये है कि So when we had like this type of fan, right, me and Rakin used to stick our finger inside and then we got rid of it. अच्छा. और फैन की मेमोरी ये है कि राकेन जो है वो फैन से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड था. अच्छा. छोटेपन पे ना. हाँ. बस वो फैन को ही यूं देखता रहता था. उसके बाद कहीं भी जाता था ना, बस फैन. इवन जब हम स्कूल जा रहे होते थे तो रास्ते में विंड मिल लगी हुई होती थी किसी के घर पे, तो हम स्पेशली उसी गली में से हमें जाना होता था क्योंकि इसने वो विंड मिल देखनी होती थी. फिर मैं इंग्लैंड गई अपने कजन के यहाँ, तो वहाँ पर सीलिंग फैंस नहीं होते ना. हाँ. तो वहाँ पर ना एक छोटा सा उनके पास ना फैन था, तो उनको पता था ये फैन बहुत शौक से देखता है. हाँ. उन्होंने ना एक छोटा सा फैन इसको ला के दे दिया कि राकेन ये सिर्फ आपके लिए. अच्छा. ये पूरा दिन. हाँ. जिस वक्त होगा 2-2.5 साल का होगा. हाँ. ये पूरा दिन उस छोटे से फैन के सामने बैठा. वो हिला नहीं बच्चा. यार
ये टीवी और बाकी गैजेट से तो बेहतर ही चीज़ अब है। अब नहीं करता इतना हाँ। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, इसने तो गाना भी बनाया था उसको दिखाते हुए लेके जाते थे। अच्छा, मतलब मैंने पहली दफा देखा है कि कोई बच्चा फैन से फैसिनेट होता है ना, अक्सर अम्मा का दुपट्टा या कोई ऐसी चीज होती है तो ये फैन वाली। नेक्स्ट मेमोरी क्या है दिखाओ। आप उठे गाड़ी दिखाओ, ये वाली गाड़ी है। गाड़ी की क्या मेमोरी है इसकी भी ऐसा वो ये मेमोरी है कि इन दोनों को, वैसे लड़कों को तो खैर ज्यादा ही शौक होता है, ऑफ कोर्स राकिन को ज्यादा शौक है, लेकिन ये भी इसको भी सारी गाड़ियों के नाम और उसको तो पता नहीं सीरियल नंबर भी और ऐसे ऐसे नाम है जो मैंने तो शायद आज तक जिंदगी में सुने भी नहीं। आपको बहुत शौक है, बहुत ज्यादा ही शौक है। मुझे कोई फ्यूचरिस्टिक ऑडी लग रही है। मुझे पता है ये ऑडी है, सबके याद है। जब हम रोड पे होते हैं तो हर गाड़ी मामा को, स्पेशली मामा देखो ये जा रही है, बिकॉज मामा को वो गाड़ियों के मामले में ऑब्वियसली डम समझता है कि मामा को ज्यादा पता नहीं है। नहीं, और हम लोग मायामी गए तो वहाँ वो एक से एक गाड़ी अब आए, अब ये तो हिले ही ना अपनी जगह से ना, और वो कभी फरारी जा रही है वहाँ पर, कभी लैम्बोर्गिनी जा रही है वहाँ से। इसको शौक कैसे है ये गाड़ी का? आपको कभी एस्टन मार्टिन जा रही थी? नहीं, नॉट रियली, आई थिंक इट्स खुद ही डेवलप हुआ है, खुद ही डेवलप हुआ है। ओह, बचपन से ज्यादा। अच्छा, उसके साथ साथ इसको भी है, इसको भी सारे नाम पता है। हाँ, इसको भी सारे नाम पता है। मेजॉरिटी आपसे कम पता है, लेकिन वैसे पता है। हाँ, आपने ही बताए होंगे ना, है ना? उसकी सिर्फ ये पता है उसकी फेवरेट कार क्या है, कौन सी? फरारी 458 इटालिया, स्पाइडर या टाइगर? स्पाइडर। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। See, I'm not the only one. निदा आंटी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वैसे वैसे फरारी 458 स्पाइडर या इटालिया, उसका आगे वाला मुंह का नीचे बहुत कोई बड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे मोटा सा माउथ हो गया। चलो नेक्स्ट मेमोरी दिखाओ। क्या हुआ, बैठ जाए, दिखाएं सबको। जहाज, जहाज, जहाज लोगों को बहुत शौक है, और राकिन तो पायलट बनना वैसे ही चाहता था। और तो इसकी कुछ जहाज की कोई मेमोरी है कोई? मैं आपको बताऊं, राकिन ना खाने में बहुत तंग करता है। अच्छा। खाने पीने में बहुत कम चीजें हैं जो राकिन खाता है। अच्छा। लेकिन प्लेन का पूरा खाना खाता है। I think excitement में के प्लेन में खाना है। अच्छा। अच्छा, घर पे तो ट्राई भी नहीं करता ना। मैं कहती ना जरा सा चख लो ताकि पता चले ना टेस्ट का। नहीं, प्लेन की हर चीज, मक्खन तक। एक दफा मैंने देखा मक्खन खोल के तो उंगलियों से यूं खा रहा। मामा वो मैंने उसमें वो बन पन लगाया था, बन को वो नाइफ से कट किया। और बन ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक हमें आपको भी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट हमने ट्रैवल इतना किया हुआ है कि बच्चों को एट एन अर्ली एज इतनी ट्रैवलिंग का मौका मिला, प्लेन में बैठने का मौका मिला, तो अल्लाह का शुक्र है कि यू नो बड़े कस्टम हो गए हैं हर जगह जाने में। हाँ। तो मैं भी काफी, मुझे मम्मी बताती है, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब मैं फ्लाइट के लिए जा रहा होता हूँ। अच्छा। वेरी एक्साइटेड। वो आप बचपन से ऐसे हो? बचपन से ऐसा, मुझे नींद नहीं आती जहाज में। नींद नहीं आती? नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती मुझे। आपको भी नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं जाना सोना जहाज में, मुझे बस नाश्ते के लिए वेट करना है। नाश्ते बिफोर नाश्ता मैं नहीं सुनूंगा, तब नाश्ता आ जाएगा ना, फिर मैं सो जाऊंगा, और तब हम लोग लैंड करें, और तब हम लोग लैंड करने वाले हैं तो उठा देना। अगर लैंड करने से हम लोग अगर I don't think he sleeps in the airplane. अरे लंबी फ्लाइट है। नहीं, but does he sleep? I do. Of course. He does. भाई रात की फ्लाइट है और इतनी लंबी फ्लाइट है तो आपको नींद नहीं आएगी? नहीं, वो तो एक अलग बात है स्मिता, does मैं पूछ रहा हूँ, सोता है कि नहीं सोता? तो करते क्या हो आप, टीवी देखते रहते हो? नहीं, हम हवाई जा रहे थे, इकोनॉमी में बैठे हुए, 6 घंटे की फ्लाइट है, मैं यूँ बीच में थी, इसका एक कसर इधर था और इसका एक कसर इधर, 6 घंटे नॉन स्टॉप में ऐसे थी। उस वक्त पाकिस्तान में रात हो रही थी, इधर दिन हो रहा था, लेकिन उस वक्त छोटे थे। थाईलैंड में इनको अकेले लेके गया था फ्लाइट पे। अच्छा, बगैर सुनीता वहीं पे थी, मुझे था कि पहली बार फ्लाइट पे लेके जा रहा हूँ इनको, बट इन्होंने दूध पिया और मुझे ये भी था कि पैंपर भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी एयरप्लेन में, तो मैंने कहा नहीं यार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैंने चेंज किया था पैंपर, मैंने चेंज किया। कितने बड़े थे ये? ये छोटी थी ना, दो साल की थी। दो साल की थी। अकेले कैसे ले गए भाई? दोस्त भी थे।
अच्छा दोस्त फिर से लेकिन मैं कर लेता हूँ ये चीज़। अच्छा तो इसका पैम्पर चेंज किया उसके बाद फ्लाइट को रह गए थे 3 घंटे 50 मिनट थाईलैंड की होती है 5:30-5 घंटे की। हाँ ये लोग सोए हाँ और फिर सोए